झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से संयुक्त सहायक अभियंता सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के कागजात सत्यापन और साक्षात्कार को लेकर तिथि निर्धारित की थी, लेकिन साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद साक्षात्कार देने पहुंचे छात्रों को जब यह सूचना मिली तो कार्यालय के बाहर विरोध करते दिखाई दिए। छात्रों का कहना है कि 30 मई से 11 जून तक साक्षात्कार लेने का डेट निकाला गया था, जिसमें 60% लोगों ने अपना साक्षात्कार भी दे दिया। उसके बाद आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद उस पर स्टे लगा दिया। मामला ये है कि ये 2015 की वैकेंसी है और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तक 2022 आ गया है, अभी तक इसको पूरा नहीं कर पाई है। 2015 के बाद ये परीक्षा कैंसिल हुई, 2019 में फिर से री एडवर्टाइज़ किया गया, लेकिन इसके बाद इस पर इतने केसेस आए हैं, इतने ज़्यादा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक से यहाँ पे ऑर्डर्स आए हैं ताकि इतने बार परीक्षा को स्थगित की गई है। तो इसमें पूरा का पूरा खिलवाड़ हम लोगों के साथ हो रहा है कि एक इतना इनएफिशिएंट सिस्टम है कि एक छोटा सा रिक्रूटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा है। तो कैसे हम लोग आयोग में आईएएस पद के अधिकारी हैं और इन लोग एक छोटा सा रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बाकी प्रदेशों में भी हर रिक्रूटमेंट एकदम सक्सेसफुली हो रहा है। हमारा डिमांड ये है कि इस परीक्षा को कंटिन्यू किया जाए, जो बीच में परीक्षा को इंटरव्यू को रोका गया है। सारा परीक्षा में प्री हो चुका है, मेंस हो चुका है, इंटरव्यू देने आए थे हम लोग, टोटल 60% लड़कों का इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन अभी बीच में हम लोगों को यहाँ बुलाकर और रोक दिया गया, इसको स्टे लगा दिया गया। तो हम लोग के साथ क्या हो रहा है, ये मजाक चल रहा, प्रैंक हो रहा है। यहाँ पर हम लोग आए हैं, जब मेंस का परीक्षा देने आए थे तभी एक दिन पहले हम लोग बरकाकाना तक आ चुके थे, बीच रास्ते से ट्रेन हम लोग बिना टिकट के वापस घर गए, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि परीक्षा पे स्टे लगा दिया जाए। तो हम लोग के साथ क्या हो रहा है ये, और यही हम लोग को न्याय चाहिए कि परीक्षा को कम से कम पूरा किया जाए। इसके बाद ऐसे भी कई सारे एग्जाम पे, ये हर एग्जाम पे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पे ऐसे हुए हैं।